नमस्कार, ये ऑफिस है या कोई दुकान है, तो जब आप ऑफिस लेते हैं कोई नया, तो नेचुरली उस जगह को आप वास्तु कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं और साथ में उस जगह को एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर बैठ के सब लोग अच्छे ढंग से काम कर सकें। तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है लेकर एंटीना, ये क्वांटम सेंसर इसके नीचे लगा हुआ है और ये स्कैन करता है एनर्जी को कि एनर्जी कितनी है। तो इसके लिए हमने क्राइटेरिया रखा है 3000 से 5000। अगर स्केलिंग पे ये अगर एनर्जी दिखा रहा है तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब अच्छा है। और 5 से 7 जो है वो गुड की कैटेगरी में, 7 से 9 वेरी गुड की कैटेगरी और 9 से ऊपर एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग, ये क्राइटेरिया है। इसको हम यहाँ पे जो स्केलिंग है 18 तक की है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं वॉइस यूनिट में, यानी 1 = 1000 वॉइस यूनिट एनर्जी लेवल। तो अब 18000 एनर्जी लेवल, ये बहुत रेयर होता है जो कि शिवालय में ऐसी जगहों पर आता है और सब जगह नहीं आता। तो यहाँ पर हम इस सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि यहाँ का एनर्जी लेवल है कितना। तो सबसे पहले इसको 3.3 वेव लेंथ पर सेट करेंगे लेकर एंटीना को और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे प्रीवियस वेव। ये हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसको हम 2.5 वेवलेंथ पर सेट करेंगे और यहाँ इसको लैंग्वेज चेक करेंगे, सो मद लैंग्वेज ऑफ यस। तो यस में ये जो है डाउन जा रहा है, सो मद लैंग्वेज ऑफ नो, नो में ये रिवर्स हो रहा है। अभी हमको भाषा समझ में आएगी लेकर। अब हम क्या करते हैं, ये कपिल जी का एक ऑफिसर हमारे साथ है तो ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का एनर्जी लेवल कितना है। तो मैं 18 से शुरू करता हूँ, चेक एनर्जी लेवल 18000। तो ये आंसर है 18000 नहीं है, 18000 बहुत बड़ी चीज होती है, 18000 के लिए 17000 13000 14000 13000 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
वक्त किसी उसके रेमेडी के, अभी इन्होंने कोई रेमेडी नहीं करी है, कोई पूजा भी नहीं हुई है यहाँ पर, तो 12,000 दिखा रहा है जो कि एक्सेलेंट और आउटस्टैंडिंग कैटेगरी है। अब हमने क्या करना है, हमें छोटा सा प्रयोग करना है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ शंख ध्वनि करते हैं और शंख ध्वनि से हम ये चेक करेंगे कि इस ध्वनि के प्रभाव से एनर्जी लेवल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो शंख ध्वनि होती है उसमें हाथ अंदर की तरफ नहीं डालना होता है, उसे आवाज़ बंद हो जाती है, आप अपने हाथ को भारी रखेंगे और इसमें एक शब्द बोलते हैं दत्तात्रेय, तो उस शब्द का जो है साउंड किया जाएगा, दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश का युग्म रूप है, मतलब जो है तो उस तरह से साउंड किया जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ शंख ध्वनि करी, जो अक्सर पूजा में आप देखते हैं शंख और घंटी बजती है। हमारी जितने भी पूजाएं होती हैं, जितने भी चीजें इसमें शामिल होती हैं, जितने भी उपकरण सामग्री, जितने भी सब एनर्जेटिक है, एनर्जी को इनहांस करती है, जितनी भी चीजें आपके पास, हमने सिर्फ एक चीज देखी यहाँ पे कि शंख से जो है एनर्जी लेवल पे कितना असर पड़ा, 18,000 इसको फिर ऊपर किया 17,000 यस, इससे अधिक और क्या हो सकता है। तो एक शंख की ध्वनि आपके घर को, ऑफिस को, दुकान को इतना ज्यादा एनर्जेटिक और वाइब्रेटिक एनर्जी का वो बना देगा कि जो भी वहाँ आएगा काम करेगा बहुत अच्छा फील करेगा, उसका जो स्टेमिना होगा काम करने का वो भी बढ़ेगा
और अच्छा फील करेगा, खुश भी अपने को महसूस करेगा। ओम शांति।